आगे बढ़े, सहदेव का शरीर छूट गया। अब सहदेव की आत्मा पूछती है कि प्रभु मैंने तो जीवन में कभी अपराध नहीं किया, तो मुझे किस बात की सजा मिली? तो भगवान ने कहा कि तुम्हें अपने ज्ञान का अभिमान था, तुम सोचते थे कि मुझसे बड़ा बुद्धिमान पांचों भाइयों में कोई नहीं है, तो ज्ञान का अभिमान ही तुम्हारे पतन का कारण बढ़ा। और फिर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, फिर नकुल ने शरीर त्यागा, तो नकुल ने पूछा कि अब मेरा अपराध बता दो, मेरे पत्नी और भाई का अपराध तो बता दिया। तो भगवान ने कहा तुम्हें अपनी सुंदरता का अभिमान था, नकुल सबसे सुंदर थे, तो वह सोचते थे कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, सुंदरता का अभिमान उसे खा गया, इसलिए किसी के रंग रूप को देखकर कभी अपमान मत करो। भगवान ने अपनी कृति बनाई, अगर तुम किसी को लंगड़ा कहकर या ऐसे कहकर उसका अपमान करोगे तो वह भगवान का अपमान, क्योंकि उसने उन्हें बनाते समय कोई कमी नहीं करी, और हम कमी निकालने वाले कौन होते हैं। तो इसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अब की बार बारी थी अर्जुन की। अर्जुन ने अपना शरीर त्यागा, बोला पुरुषोत्तम मैं तो आपके चरणों की भक्ति प्राप्त किया, मैंने गीता का ज्ञान प्राप्त किया, फिर क्या कारण था कि मेरा शरीर स्वर्ग से शरीर शायद मैं स्वर्ग को नहीं गया? तो भगवान ने कहा कि तुम्हें अपनी विद्या का अभिमान था, तुम सोचते थे कि मेरे पास मुझसे बढ़कर धनुर्धारी कोई नहीं, और उसी अभिमान ने तुमको आज जिसके पास सम्मुख पुरुषोत्तम है परंतु जिसने उसे साधारण इंसान समझा, यह अभिमान ही तुम्हें भगवान से परिचय नहीं करा पाया। और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, अब बारी आई भीम की, और भीम ने अपने शरीर को त्याग दिया। अब भीम की आत्मा पूछती है कि हे प्रभु मैंने तो जीवन में कोई अपराध नहीं किया, और मैंने जरासंध को मारा, दुर्योधन को मारा, तो क्या पापियों को मारना तो कोई पाप नहीं है? तो भगवान ने कहा निश्चय तुम सच कहते हो भीमसेन, क्योंकि तुमने कोई पाप नहीं किया, परंतु तुम खाते बहुत थे। तो भगवान से भीम ने बोला कि भला खाना पाप है क्या? जितना बड़ा पेट उतनी देर लेट, कि जितना बड़ा मेरा पेट होगा तो उतनी देर तो मैं खाऊंगा। तो भगवान ने कहा खाते बहुत थे, उसका यह मतलब नहीं कि खाओ नहीं, परंतु जब भी कभी पंगत में बैठो तो खाते समय यह देखते रहो कि मैं इतना, हमेशा भगवान ने कहा कि खाते समय अपनी थाली में देखो, और खिलाते समय किसी के मुख की ओर मत देखो। अब भला यह क्या बात हुई कि खाते समय अपनी थाली में देखो और खिलाते समय किसी के मुख में मत देखो? तो भगवान ने कहा कि जब भी खाने बैठो तो इतना ये सोचो कि मैं इतना ना खा जाऊं कि मेरे बाजू वाला भूखा हो जाए। भीमसेन जब खाते थे तो इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि मेरे बाजू में कोई भूखा, अर्थात हम जब भंडारे आदि में जाते हैं तो हम इच्छा से ज्यादा खाते हैं, और हमारे ज्यादा खाने के कारण से, या कई लोग कहते हैं कि वो कक्का घर से नहीं आओ चलो किले बिले चले, परंतु देखिए भंडारा किनके लिए है? जो सक्षम नहीं है बाहर से, जैसे आप जैसे लोग आए, अब यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है तो भंडारा उन्हीं के लिए है। आप घर में सक्षम रहता है, घर में आप बनाकर खा सकते हैं, तो भंडारे का थोड़ा सा प्रसाद ले जाइए, प्रसाद का एक कण भी आपको मुक्ति दिला सकता है, परंतु ब कक्कर नहीं आओ, ब काकी नहीं आई, ओके लाइव रख लो और पॉलिथीन भर भर के पूरी ले जाते हैं, और खाने की थाली में इतना रख लिया और उसको फेंक दिए, उससे क्या होता है कि अचानक भोजन समाप्त तो हो गया और कोई भूखा आके लौट जाए तो कितना बड़ा पाप है। तो भीमसेन से भगवान कहते हैं कि खाते समय हमेशा अपनी थाली में देखो कि मैं इतना ना खा जाऊं कि कोई दूसरा भूखा हो जाए, और खिलाते समय किसी का मुख मत देखो, अर्थात जब हम किसी को भोजन कराएं तो यह ना देखें कि यह कितना खा रहा है, कि यह इसने कितना खा लिया और खाते ही जा रहा है, तो खिलाते समय हमेशा नीचे की ओर देखो, यह मत देखो कि सामने वाला कितना खा रहा है। अरे सबसे बड़ा यज्ञ है भोजन कराना, आप दुनिया के महलों में भी हमें उतार दो या आरती उतार दो, परंतु ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं केवल भोजन से। शास्त्रों में लिखा है कि दुनिया में एक कौम ऐसी है ब्राह्मण जिसे भोजन से ही प्रसन्न होती है, चाहे आप सोना चांदी दे दो या कुछ भी दे दो वह प्रसन्न नहीं होंगे, परंतु भोजन करा दो तो ब्राह्मण देवता कहते हैं अरे बड़ा अच्छा भोजन कराया आज पटेल साहब के यहाँ। तो ब्राह्मण जाति ऐसी है जो भोजन से प्रसन्न होती है, वैश्य जाति ऐसी है जो धन से प्रसन्न होती है, क्षत्रिय ऐसा है जो युद्ध और जमीन जायदाद से प्रसन्न होता है, और शूद्र ऐसा है जो सेवा भाव से प्रसन्न होता है। तो भगवान भीमसेन भी अपना शरीर त्याग गया। अब आगे की ओर युधिष्ठिर का आगमन होता है। आज युधिष्ठिर को लेने स्वयं भगवान यमराज अर्थात धर्मराज का रूप लेकर आए हैं। यमराज के भी कई रूप है, यमलोक के चार द्वार है, गरुड़ पुराण कहती है, एक सूर्य लोक का द्वार, एक चंद्र लोक का द्वार, एक यम लोक का द्वार, और चौथा द्वार जो कहलाता है वह धर्म लोक का द्वार। तो जैसे जैसे भाव रहते हैं उसी प्रकार के यमराज दिखाई देते हैं, जैसे संत महात्माओं को यमराज प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं धर्मराज के रूप में, अति पापी को जो रहते हैं वह दक्षिण के द्वार से आते हैं जहां पर वह विकराल दांतों वाले और जैसे कि अभी ही खून पी जाए, तो ऐसे यमराज का रूप दिखाई देता है, परंतु आज भगवान सौम्य रूप से आए हैं।
संतों और यतीम जो महात्मा होते हैं उनके लिए सूर्य लोक का द्वार होता है, और जिसने पितरों की सेवा की उसके लिए चंद्र लोक का द्वार है। तो इस प्रकार चारों लोक में जैसे भगवान राम की छवि सबको अलग अलग दिखाई दे रही थी, जब भगवान पहुंचे लंका में तो जो उनके भक्त थे उन्हें भगवान भक्त वत्सल दिखाई दे रहे थे, और जो शत्रु थे उन्हें भगवान विभत्स रूप में दिखाई दे रहे थे, और जो जिन्हें पति रूप में चाहना चाह रहे थे ऐसी स्त्रियों को भगवान भक्त वत्सल के रूप में। तो भगवान को जिस दृष्टि से देखोगे वह उसी रूप में आएंगे। तो युधिष्ठिर को लेने स्वयं धर्मराज जी आए हैं, तो युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि आप विमान में सवार हो जाइए और शरीर सहित स्वर्ग को जाइए, क्योंकि युधिष्ठिर ने जीवन में कभी झूठ तक नहीं बोला। और जिस समय दुशासन और दुर्योधन से खींचातानी हुई और उस समय धर्मराज के हाथ से जो खून गिरा, तो उसी समय द्रौपदी ने अपनी चीर फाड़ी और उनके हाथ में बांध दी कि अगर आज ये धर्म के अवतार हैं इनका एक खून भी धरती में गिर जाएगा तो ये पूरी सृष्टि ही नहीं रहेगी, क्योंकि जहां धर्म का खून होता है वहां प्रलय निश्चित है। अतः हमेशा धर्म को बढ़ाओ, धर्मराज को बढ़ाओ। और इस प्रकार युधिष्ठिर से आज स्वयं धर्मराज लेने आए हैं विमान सहित और कहते हैं कि शरीर सहित तुम इसमें बैठो। तो युधिष्ठिर ने अब उस कुत्ते से भी कहा कुकर से कि तुम भी इसमें बैठो। तो धर्मराज ने कहा कि यह विमान आपके लिए है, इस कुत्ते के लिए नहीं, अतः आपको ही जाना पड़ेगा। तो धर्मराज ने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अगर ले जाना है तो इस कुकर को भी मेरे साथ रखो। तो धर्मराज ने मना किया तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखिए मेरे जिस धर्म के लिए आप मुझे लेने आए हैं, आज शास्त्र कहता है कि जो 7 कदम हमारे साथ चलता, हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, कोई 5-10 मिनट के लिए बाहर का व्यक्ति बैठ जाता है तो वह मित्र के समान हो जाता है, संबंध बन जाते हैं। तो जो 7 कदम साथ चलता है वह तो मित्र के समान हो जाता है, फिर तो यह कितने नीचे से मेरे साथ ऊपर की ओर आया। मेरे भाई बंधु पत्नियां मेरा साथ छोड़कर चले गई, परंतु यह कुत्ता मेरे साथ है, यानी मेरा ये भी मेरे समान धर्मात्मा है, तभी तो यह यहाँ तक पहुंचा। अतः अगर मैं इसे छोड़कर जाऊंगा तो मेरा धर्म का नाश होगा, अतः आपको मुझे ले जाना है तो इसके सहित ले जाइए, अन्यथा आपका स्वर्ग आपको मुबारक। तुरंत भगवान प्रसन्न हुए और कुत्ते से भी धर्मराज भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे धर्मराज, हम आज तुम्हारी वंदना करते हैं, अगर आज तुम अपनी परीक्षा में फेल हो जाते तो तुम भी शरीर से स्वर्ग में नहीं जाते। तो ऐसे थे धर्मराज। तो धर्म के नाम पर हम हजारों लीटर दूध शिवलिंग में चढ़ा देते हैं और लाखों का प्रसाद, परंतु कभी सोचा है जब महाशिवरात्रि आती है तो हम कईयों लीटर से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं कि हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु कभी सोचा है आपने कि इस दूध का सच्चा अधिकारी कौन है? इस दूध का सच्चा एक गरीब का छोटा बालक है। अगर वह दूध आप किसी गरीब के बालक को पिलाते तो आज आपका कल्याण होता। मैं कहता हूं कि शिव जी जरूर प्रसन्न होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शिवलिंग में दूध ना चढ़ाए, बहुत चढ़ाए, परंतु वह दूध कहां चले जाता है? नालियों के द्वारा बाहर। तो शिवजी को चढ़ाइए, परंतु बाहर भी जो हर व्यक्ति में भगवान का वास है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसमें भी शिव के रूप को देखो कि यह शिव तो शिवलिंग है, मूर्ति है, निर्गुण है, परंतु वह तो साक्षात शिव है, हर में शिव तत्व है, शिवो अहम। तो उस बालक को दे दें अगर गरीब को, तो जो बाहर से बैठा देख रहा है कि हमें तो दूध भी नसीब नहीं होता, तो अगर उसे उस दूध को देते तो वास्तव में शिव की कृपा होती। बस श्री हरि जो साक्षात क्षीर सागर में विराजमान है, जो कन्हैया क्षीर सागर में दूध की नदियां जिसे कहते हैं, दूध के समुद्र में जो विराजमान है, उससे भला आपके दूध से क्या मतलब? कामधेनु गाय जिसके पास है वह, उसे आपके दूध की क्या आवश्यकता? और जो साक्षात अन्नपूर्णा है अर्थात धन की देवी लक्ष्मी, उसे आपके धन प्रसाद से क्या मतलब? हर जीव प्राणी में भगवान है, उसके प्रति दया करो, सभी में परमेश्वर है। अरे वह शिव तो निर्गुण है, उसे आपकी वस्तुओं की क्या आवश्यकता? संत एकनाथ जी की एक बार गंगोत्री से जल लेकर 1000 महीने मतलब 1-2 साल तक उन्होंने पैदल कांवड़िया से पहले लोग जाते थे, तो गंगोत्री से उन्होंने जल भरा और 2.5 साल बीत गए, और जब वह रामेश्वरम मंदिर के पास में पहुंचे तो कांवड़ में, आज भी तमिलनाडु में देखिए पानी की बड़ी समस्या, पानी नहीं मिलती, खारा पानी मिलता है, तो वो सामने भगवान रामेश्वर नाथ दिखाई दे रहे हैं, उतने में एक गधा प्यासा हुआ दिखाई देता है जो पानी के लिए तड़प रहा है, और गंगोत्री का जल कांवड़ में दोनों ओर भरे, और भी साधु संत साथ में थे,
और जैसे ही वह गधे के पास पहुंचे तो एक नाथ जी ने कहा कि चलो हम अपना अपना जल इन्हें पिला दें। तो सभी साधुओं ने कहा कि भला आपकी बुद्धि को क्या हो गया है, 2002 साल की तपस्या को आप ऐसे ही नष्ट कर रहे हैं। हमने गंगोत्री का जल पैदल चलकर नंगे पांव यहां पर लेकर आए हैं और आप कहते हैं कि जब हम शिवलिंग के पास रामेश्वर भगवान के पास पहुंच गए हैं और आप कहते हैं कि इस जल को चढ़ा दो। नहीं, हम नहीं चढ़ाएंगे। तब संत एक नाथ ने कहा कि आप नहीं चढ़ाते तो ठीक, मेरा शिव मुझे सामने इस रूप में दिखाई देता है। तो लोग कहते हैं कि गधे में भी भगवान हो सकते हैं क्या, कुत्ते में भी भगवान हो सकते हैं क्या, जो बस शिवलिंग को चाटता है। तो कुकर में जब भगवान भरा है अवतार में शुकर में आ सकते हैं तो कुकर में आने में भला क्या। तो एक नाथ जी ने अपने गंगोत्री का जल उस गधे को पिला दिया और जैसे ही गधे को जल पिलाया उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रापतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वालांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं शमन्तात् स्तुतं गणे व्याघ्रकृतं वसानम् विश्वादम् विश्ववंदम् निखिल भयहरम् पंचवक्त्रम् त्रिनेत्रम्। और इस प्रकार उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और भगवान ने कहा है कि धन तुम जैसे भक्तों के लिए ही मुझे आना पड़ता है और पुत्र तू दुखी मत हो, दुखी तो मुझे होना चाहिए कि मुझे तो गंगोत्री में जाकर ही तेरे दर्शन कर लेना था जहां मैं केदारनाथ के रूप में सम्मुख विराजमान हूँ, परंतु तुझे तकलीफ हुई पर तेरे भाव के कारण से मैं यहाँ आया हूँ। अब तुझे उस रामेश्वर मंदिर